गुजरात में जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई तो स्थिति साफ थी। दो सीटों पर बीजेपी तो दो पर कांग्रेस जीत हासिल करती नजर आ रही थी, लेकिन अब गुजरात कांग्रेस में हुए बिखराव ने समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है और बदल गई है कांग्रेस उम्मीदवारों की किस्मत भी, क्योंकि कांग्रेस को अब एक सीट मिलती दिख रही है। कांग्रेस का एक उम्मीदवार मुश्किल में फंस गया है और मुश्किल में फंस गई है पार्टी भी। तो पार्टी किस उम्मीदवार को भेजेगी राज्यसभा और किसके हिस्से आएगी हार, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में मजबूती दिखाने के बाद लगा था कि कांग्रेस के अच्छे दिन लौट रहे हैं। पार्टी एक बार फिर भरोसा जीतने में कामयाब हो रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टी में जो बिखराव मचा उसने आलाकमान के माथे पर शिकन ला दी। अभी मध्य प्रदेश का मामला थमा भी नहीं कि गुजरात कांग्रेस में टूट की खबर आ गई। कांग्रेस के 5 विधायकों ने पद छोड़ दिया, जिसने गुजरात राज्यसभा चुनावों के समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हां, राज्यसभा चुनावों की घोषणा के समय गुजरात में 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही थीं, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं क्योंकि कांग्रेस के 5 विधायक उसका साथ छोड़ चुके हैं, जिससे पार्टी के 2 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही जीतता नजर आ रहा है और उस एक सीट पर पार्टी किसे आगे करेगी इसे लेकर भी कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करवाए हैं जिसमें शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी शामिल हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 2 सीट खाली हैं। इस प्रकार कुल 180 सीटों की विधानसभा है जिनमें 5 कांग्रेस विधायक पद छोड़ चुके हैं। इसके बाद मौजूदा वक्त में गुजरात में 175 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक, कांग्रेस के 68 विधायक, अन्य के 4 विधायक हैं। वहीं एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कुल 36 सीटें चाहिए। ऐसे में गुजरात राज्यसभा चुनाव में बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आसानी से जीतती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के 5 विधायकों के त्याग पत्र के बाद चौथी सीट पर बीजेपी का दावा मजबूत होता दिख रहा है, क्योंकि 2 सीट जीतने के बीजेपी के पास 34 अतिरिक्त वोट बचेंगे जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 32। और अगर दूसरी वरीयता के वोटों का काउंट करने की स्थिति बनी तो ज्यादा विधायक होने का फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस का एक उम्मीदवार हार सकता है। कांग्रेस अपने किस उम्मीदवार को करेगी सेफ और किसकी बढ़ाएगी मुश्किल, इसको लेकर पार्टी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। पार्टी शक्ति सिंह गोहिल को आगे करेगी या फिर भरत सिंह सोलंकी को, इसे लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है। पार्टी ये भी मान चुकी है कि उसके दोनों उम्मीदवारों का जीतना संभव नहीं है और इसे लेकर अब विधायकों ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। AICC के पर्यवेक्षक BK हरिप्रसाद और रजनी पाटिल ने जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में ठहरे गुजरात कांग्रेस के विधायकों के साथ आज बैठक कर उनकी राय जानी और विधायकों की साझा बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें फैसला आलाकमान पर छोड़ने का जिक्र किया गया है। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।